कंगवा के फर्स्ट सॉन्ग का हुआ अनाउंसमेंट, आखिर कब रिलीज होगा फायर है सॉन्ग। सोशल मीडिया पर वायरल हुए विक्की कौशल का स्टेटमेंट, आखिर क्या कुछ कहा कियारा आडवाणी को लेकर एक्टर ने। बेटे संग कहां चिल कर रही है नताशा, डाइवोर्स की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक क्या खास था आज दिन भर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं नामनी सिंह एंड वॉचिंग मी ऑन बाज़ूका रिव्यूज। बॉलीवुड के गलियारे से बाज़ूका रिव्यूज अक्सर आपके लिए कुछ ना कुछ हॉट एंड स्पाइसी लेकर आता है। तो क्या कुछ है खास आज बाज़ूका के पिटारे में, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हॉट न्यूज के साथ। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे शामिल है बॉलीवुड का मोस्ट अवेटेड फिल्म कंगवा का फर्स्ट सॉन्ग यानी फायर है। जी हाँ, रिसेंटली मेकर्स की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ये सॉन्ग इसी मंथ में 23 जुलाई को रिलीज होने वाला है। ऐसे में ऑडियंस के बीच इसको लेकर काफी ज्यादा बज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई इस मूवी में सूर्या और बॉबी देओल की केमिस्ट्री जो देखने को मिलने वाली है। वेल, इसको लेकर आप हो कितने ज्यादा एक्साइटेड हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन बीटाउन से जुड़ी सारी अपडेट इससे पहले आपके लिए। वेल, अगर हम बात करें अपने अगले हॉट न्यूज की, तो इस लिस्ट में शामिल है विक्की कौशल का एक स्टेटमेंट। रिसेंटली विक्की कौशल से कियारा आडवाणी से जुड़े कुछ सवाल किए गए, क्योंकि इन दोनों ने गोविंदा नाम है मेरा मूवी में एक दूसरे के साथ काम किया था। इस दौरान विक्की कौशल ने कियारा को फेवरेट बताया है। एक्टर का कहना है कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम तो नहीं बिताया है और ना ही ज्यादा हैंग आउट किया है, लेकिन फिर भी कियारा उन्हें काफी अच्छी लगती है, उनका काम उन्हें काफी अच्छा लगता है और वो उनकी फेवरेट है। वैसे इस कमेंट पे क्या कुछ कहना है आपका, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपको बता दूं अपने थर्ड हॉट न्यूज के बारे में। वेल, इस लिस्ट में नताशा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां नताशा और हार्दिक ने लास्ट इवनिंग ही अपने डिवोर्स की खबरों को कंफर्म कर दिया है कि वो दोनों अपने रास्ते एक दूसरे से जुदा कर रहे हैं। ऐसे में फैंस सदमे में ही थे कि इस बीच नताशा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो अपने बच्चे के साथ चिल करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में उनका बच्चा गेंद खेलते हुए नजर आ रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसके अलावा नताशा ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। आप भी नजर डालिए इन फोटोज और वीडियोस पर। नताशा की वीडियो। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने अगले हॉट न्यूज की, तो इस लिस्ट में शामिल है शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म देवा, जहां रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया था कि ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है। ऐसे में अब इसको लेकर नया रिलीज डेट अनाउंस कर दिया गया है, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शाहिद अपने फैंस को किस तरह से नया लुक से लोगों को इम्प्रेस करते हैं। वेल, इसके अलावा अगर हम बात करें अपने अगले हॉट न्यूज की, तो इस लिस्ट में शामिल है बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस यानी शिल्पा शेट्टी। शिल्पा ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि उनसे अब ये ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल शिल्पा के इस वीडियो में शिल्पा आउटफिट पहनते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि भाई वो सांसें नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि वो आउटफिट काफी फिटिंग का था। ऐसे में शिल्पा शेट्टी ने इसे शेयर करते हुए फैंस को ये बताया है कि भाई ये फिटिंग वाले ड्रेस का जो ट्रेंड है ना, अब इनसे ये फॉलो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे एक्ट्रेस आए दिन कुछ ना कुछ फनी वीडियोस फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं और अपने फैंस को एंटरटेन भी करती हैं। शिल्पा शेट्टी के अलावा प्रियंका चोपड़ा के भी कुछ फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में बने हुए हैं, और ये फोटोज और वीडियोस पीसी के बर्थडे का है। जी हाँ, रिसेंटली जहाँ प्रियंका चोपड़ा ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है और लोगों ने प्रियंका चोपड़ा को बर्थडे विशेष भी दी थी। ऐसे में प्रियंका ने सोशल मीडिया के थ्रू बताया है कि इस बर्थडे पे वो ब्रेक नहीं ले पाई थी और उनका ये वर्किंग बर्थडे रहा था, लेकिन किस तरह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया इसकी कुछ झलकियां उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। और साथ ही साथ ये भी दिखाया है कि कितने प्यार से उनके लिए डोसे की वैरायटी दी गई थी कि उन्हें क्या कुछ खाना है। आप भी नजर डालिए इन फोटोज और वीडियोस पर।
बर्थडे पर अगर आपने भी विश किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इससे पहले एक और हॉट न्यूज आपके लिए। सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की शादी की खबरें जब से सोशल मीडिया पर सामने आई थी तब से ही हर किसी का अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहा था। और अक्सर ये भी खबरें सामने आती थी कि सोनाक्षी के पापा और उनके घर वाले इस शादी को लेकर खुश नहीं। ऐसे में पहली बार सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ एक इंटरव्यू देती हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब उनके पापा को उनकी शादी के बारे में पता चला था तो उनका क्या रिएक्शन था। एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो अपने पापा से बताई तो उनके पापा ने कहा कि भाई जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। कहीं न कहीं वो ये भी बताती हुई नजर आई कि उनके पापा कितने चिल वाइब वाले हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनाक्षी की फैमिली उनकी शादी से खुश थी या फिर नहीं। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। फिर ये थी बेटाओं से जुड़ी कुछ अपडेट्स आपके लिए। लेकिन इसमें से किस न्यूज ने किया आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए, बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहे बजू का रिव्यू चैनल को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।